Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे आप सब लोग? एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और ये भी बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही। फटाफट सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का टॉपिक है क्या? एवरेज है, ठीक है ना। तो आज हम लोग एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार जल्दी से सब लोग कन्फर्मेशन दे दें, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सभी लोग ले लो कि हमारे कौन कौन से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है कि 4 मई से आपके 2 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। पहला हो रहा है आपका 5:30 से 7:30 में बैंक का बैच स्टार्ट हो रहा है और 10:30 से 12:30 में SSC का बैच स्टार्ट हो रहा है। दोनों बैच बायलिंगुअल हैं, जिनको जो बैच ज्वाइन करना है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले एवरेज की। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है एवरेज क्या होता है। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। है ना, मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबको ही पता है ये फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। जैसे कुछ भी जितने भी नंबर दिए रहते हैं उनको जोड़ लीजिए और उसके बाद जितने नंबर, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो, मतलब सारे सम ऑफ टोटल टर्म्स और नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, है ना। तो सारे एडिशन ऊपर रख दीजिए और टोटल नंबर नीचे रख दीजिए, एवरेज निकल आएगा। सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सवालों के थ्रू। बाकी सारी चीजें सवालों के थ्रू मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आ चुका है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। समय स्टार्ट हो गया भाई। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से फटाफट सब लोग पहले सवाल का आंसर आपके स्क्रीन पे जल्दी से दे दीजिए सब लोग, क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान सवाल है, सभी को पता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत आसान, 10 सेकेंड में आंसर आएगा आप सभी लोगों को, ठीक है। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी स्पीड में सारे लोग लाइक और जरूर शेयर करते रहें। हाँ बिल्कुल सही है, सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा। आंसर आ रहा 5.5। क्या आंसर आ रहा? 5.5। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसका सम निकाल लीजिए। अच्छा, सम का फॉर्मूला सबको ही पता है ना भाई, क्या होता है? n+1/2। क्या होता है n+1/2? होता है कि नहीं होता है? n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 10। n+1 मतलब 11, डिवाइड बाई 2 अगर करोगे तो आप बताओ ये कितना आ जाएगा? 55। यानी कि 1 से लेके 10 तक के नंबरों को जोड़ा जब जाएगा तो आएगा 55। लेकिन हमको क्या निकालना है? एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज निकालने के लिए टोटल सम ऊपर रहेगा और टोटल नंबर नीचे रख दीजिए, आंसर आ गया 5.5, है ना। आंसर क्या आ गया? 5.5, बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ। देखो, सम भी पता होना जरूरी है, मतलब ये फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि बिना इसके आपका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इस सवाल में जब स्टार्टिंग आपकी 1 से हुआ करे, जब आपसे सवाल पेपर में पूछे 1st 10 नेचुरल नंबर, 1st 40 नेचुरल नंबर, 1st 100 नेचुरल नंबर, अगर ऐसी कोई कंडीशन पेपर में लगाता है तो आप सभी को पता है n+1/2 कर दोगे तो डायरेक्ट एवरेज निकल आएगा, है ना। मतलब
11 बटे 2 कर दीजिए, आंसर आ गया 5.5। बात समझ में आ गई सब लोगों को, तो एक बार लाइक और शेयर और यस सर का कमेंट कर दीजिए, है ना। सभी लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या बोला कि अगला नंबर डिवाइड बाय 2 करेंगे तब जब स्टार्टिंग कहां से हो, 1 से हो, मतलब फर्स्ट 20, फर्स्ट 100, फर्स्ट 40, ऐसे केस में। लेकिन फिर ये सम का एडिशन, सम की जरूरत कहां पड़ गई, जैसे मान लीजिए पेपर में आ गया 41 से लेके 100 तक का औसत बताओ, मान लीजिए पेपर में सवाल आ रहा है कि 41 से लेके 100 तक का औसत बताओ, तब आपके पास यही रास्ता रहेगा, मतलब इसी सम के थ्रू आप आंसर निकाल पाओगे। कैसे, पहले आप 1 से लेके 100 तक का एडिशन निकालेंगे, फिर आप क्या करोगे 1 से लेके 40 तक का एडिशन निकालोगे, 100 तक के एडिशन में 40 तक का एडिशन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो वो आ जाएगा 41 से लेके 100 तक का एडिशन आ जाएगा, और उसके बाद 60 से भाग कर देना, क्योंकि 41 से लेके 100 तक टोटल नंबर कितने होते हैं, 60, 60 से भाग कर दोगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि कब किसकी क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई अब जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देते चले जाइए, आपके पास 15 सेकंड है इस सवाल के लिए, फिलहाल तो समय यहाँ पर ज्यादा है मगर सवाल के लिए 15 सेकंड से ज्यादा नहीं है, फटाफट जल्दी से बताओ तेजी के साथ। एक्सेलेंट, सुपर, शानदार, सारे लोग जल्दी से बताएं तेजी के साथ, 1 सेकंड में अगला नंबर डिवाइड बाय 2, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, है ना। औसत पूछा है, आप लोग आंसर देते रहो, अगला नंबर डिवाइड बाय 2 मतलब आंसर आएगा 20.50। बोलो क्लियर हुआ सब लोगों को, मतलब अगला नंबर डिवाइड बाय 2। अब आपको एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आपको इसका एडिशन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे अगला नंबर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, अगला नंबर इसी सवाल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। बस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सबका सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा। एवरेज क्या हो जाएगा, अगला नंबर डिवाइड बाय 2 मतलब 101 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आंसर आ गया 50.50। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 50.50 आपका आंसर आ गया। क्लियर है सब लोगों को, बहुत शानदार। चलिए इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पर जल्दबाजी मत करिएगा, सवाल बदल चुका है याद रखिएगा, है ना, सवाल बदल चुका है। चलो चलो जल्दी से बताओ सब लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से तेजी के साथ फटाफट बताएं सवाल का आंसर। इसने बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 100, मतलब ऑल इवन नंबर अप टू 100, सारे 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर का हमें औसत बताना है, 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर का। तो सबसे पहला काम, तो आप सभी लोगों को इवन नंबर के सम का फॉर्मूला आना चाहिए सभी लोगों को, है ना बेटा, इवन नंबर के सम का फॉर्मूला आना चाहिए सभी लोगों को। बताओ अच्छा क्या होगा सम का फॉर्मूला, सारे लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें क्या होगा, बताओ जल्दी से। सम का फॉर्मूला होगा n n+1, ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, n n+1 ये सम का फॉर्मूला होता है इवन नंबर के, है ना। तो यहां पर n बराबर होगा नंबर ऑफ टर्म्स, n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या। मेरा मतलब ये कि 1 से लेके 100 तक कितने इवन नंबर हैं वो यहाँ पर यूज करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यूज करने हैं। तो 1 से लेके 100 तक कितने इवन नंबर होते हैं, 50, है ना। तो ये हो जाएगा 50, और ये 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51, ये आ गया, है ना। अब आप बताओ ये सम आ गया कि नहीं आ गया, अब हमें निकालना है औसत, औसत निकालना है, तो यानी 50 × 51 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या करेंगे 50 नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप बताइए आंसर इसका कितना आ जाएगा, 51। यानी आपने क्या सीखा, यहां पर आपने देखा कि जब भी इवन नंबर का आपसे
इवन नंबर का जब भी आपसे औसत पूछा जाएगा तो आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए एन प्लस वन। क्या याद होना चाहिए? एन प्लस वन। बट एक ही चीज याद रखिएगा, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन प्लस वन सीधे पेपर में लिख दीजिएगा 50+1, आंसर आएगा 51। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सब लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। एन बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। अब सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? जल्दी से बताओ ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होगा। ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर, है ना, फिर से वही बात, वेयर एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितना हो जाएगा? 50। तो आप बताओ 50 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो अब ये आ गया हमारा सम, तो हमें क्या चाहिए? लेकिन औसत चाहिए, औसत चाहिए, तो 50 का स्क्वायर बटे 50 कर दीजिए, कैंसिल हो गया, बताओ आंसर कितना रहा? 50। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब कभी भी ऑड नंबर का औसत निकालना, जब कभी भी ऑड नंबर का औसत निकालना तो आपका एन ही आंसर होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना ही उसका औसत होगा। ये देखो ये बेसिक एक तरीके से चल रहा है कि पहले एडिशन बता रहा हूं फिर भाग करके बता रहा हूं, लेकिन ये क्या चल रहा है? शॉर्टकट चल रहा है। क्या बताया मैंने? पूरी बात फिर से सुन लो, जब ऑड इवन नंबर होगा तो आप क्या बोलोगे? एन प्लस वन, जब इवन नंबर होगा, और जब ऑड नंबर के बारे में बात करेगा तो एन ही उसका आंसर होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही उसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा, बात कर, है ना। चलो लेकिन याद रखिएगा इसके लिए कंडीशन बस एक ही चले कि फ्रॉम स्टार्टिंग वन होना चाहिए, स्टार्टिंग वन से होनी चाहिए, ठीक है। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बिना मेरी किसी हेल्प के आप लोग आंसर बताइए तेजी के साथ। जल्दी से तेजी के साथ बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत शानदार, एक्सीलेंट सभी लोगों का जवाब। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे ये बता दो कि इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार जल्दी से सब लोग बता दो। इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ। बहुत बढ़िया, शानदार, इसका सम का फॉर्मूला होगा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, ये हो जाएगा आपका सम का फॉर्मूला। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 20, 21 हो जाएगा ये n प्लस वन, 20 दुना 40 41 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 कर लीजिए, 3 से काटिए 7 आ गया, 3 से काटिए 2 आ गया, 2 से काटिए 10 आ गया, 7 चौके 2870, ये आ गया आपका सम आ गया, है ना। एवरेज की बात कर ले, आप बताओ 2870 हो गया, बटे कितना कर लो? 20 कर लो, है ना, बटे कितना कर लो? 20। ये क्या औसत निकाल रहे हैं, तो बस सॉल्व कर लीजिए 143.50, जो कि आप सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया, है ना। चलो चलो जल्दी जल्दी तेजी के साथ बताते जाओ, यस सर का कमेंट लाइक शेयर सब करते रहना भाई, है ना। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या बोला मैंने, एन एन प्लस वन
टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, ठीक है। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलो चलो जल्दी से तेजी के साथ। अच्छा सबसे पहले तो आप लोग बताओ इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये बताओ इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, सब लोग बताओ। इसके सम का फॉर्मूला होगा, आप सभी को पता है, एन 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 प्लस वन डिवाइड बाय टू का होल स्क्वायर, ये होता है इसके सम का फॉर्मूला। क्या होता है, एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, तो इसके सम का फॉर्मूला होगा एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू का होल स्क्वायर, याद रखिएगा ये इसके सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलो जहां पर n का मान क्या हो जाएगा, 20, 21 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, दो से काटो ये 10 आ गया। अब बताओ होल स्क्वायर करोगे तो 21 का क्या हो जाएगा, 441, 10 का हो जाएगा 100, 44100, ये आ गया आपका एडिशन आया। अभी हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए, औसत चाहिए, तो भैया इसको क्या करो, 44100 को आप लोग क्या करेंगे, 20 से भाग कर दीजिए, 0 से 0 काट दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो पंचे दस, यानी 2205 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपने सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया, है ना। तो एक बार फिर से पूरी बात बता दें, एक बार जल्दी से बताओ फटाफट, सब लोग कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई करते जाओ। नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होगा, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये होगा नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप जल्दी से बोलो इवन नंबर के सम का, इवन नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होगा, एन एन प्लस वन, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होगा, एन स्क्वायर, है ना। स्क्वायर वाले नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, और क्यूब वाले का आपके सामने लिखा है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। एक आप चाहो तो इनको कहीं एक बार नोट कर लो, क्या बोला मैंने, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और इवन नंबर का एन एन प्लस वन, ऑड नंबर का एन स्क्वायर, ये सब सम के फॉर्मूले हैं, है ना, ये सारे के सारे सम के फॉर्मूले हैं। एक मिनट में वीडियो हाइड कर दो ताकि आपको दिख जाइए, है ना, ये सम का फॉर्मूला है भाई, ये भी सम का फॉर्मूला है, एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, है ना, और इसका तो सामने ही लिखा है। यहां तक सारा मेथड सबको कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सभी लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और आपका टाइम स्टार्ट हो गया। चलो 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 जल्दी से बहुत ही शानदार, वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस सभी लोगों की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सभी लोगों का शानदार रिप्लाई आ रहा भाई, बहुत बहुत शानदार। मुझे लगता है कि इसको बेसिक से बताने की कोई जरूरत नहीं, सीधे शॉर्टकट पे चर्चा करते हैं, और इतने में सवाल करवा दूंगा कि आपको सारे टाइप रट जाएंगे, है ना, तो बेसिक पे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सीधे शॉर्टकट से सीखो और वो शॉर्टकट कभी फेल होने वाला नहीं है। क्या देखिए क्या बोला, इसने पांच कॉन्सिक्यूटिव नंबर का औसत दिया है 20, यहां लिख दो 20 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, लगातार की संख्या है। आगे चलो कॉन्सिक्यूटिव नंबर 21 मिलेगा, पीछे चलोगे 19 मिलेगा,
आगे चलोगे 22 मिलेगा, पीछे चलोगे 18 मिलेगा, 1 2 3 4 5, बताओ 5 नंबर हो गए। ये हो जाएगा आपका लोवेस्ट और ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट। बताओ भाई बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा लोवेस्ट और ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट नंबर। क्लियर है सब लोगों को? याद रखिएगा बस एक चीज, इस सबसे पहले आपको आगे चलना है, सबसे पहले आपको आगे चलना, फिर पीछे चलना, फिर आगे चलना, फिर मान लो यहाँ पर 6 नंबर होते तो एक बार आगे और चल देते, 7 होते तो एक बार पीछे और चल देते, बात खत्म हो। फिलहाल मैंने क्या बोला कि आपको सारे के सारे इतने टाइप में रटा दूंगा कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला सवाल जल्दी से बताओ तेजी के साथ, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो 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 जल्दी से तेजी के साथ बताओ। चलिए भाई जल्दी से जल्दी से, बहुत शानदार सभी लोगों का रिप्लाई आ रहा, एक्सीलेंट, सुपर शानदार। जरा ध्यान से सुनेंगे सब लोग इस सवाल को कैसे लगाना है। देखिए ये आ गया 61, है ना। देखो नंबर क्या है, ऑड, ऑड है तो ऑड चलो, आगे चलो 63 पीछे आ जाओ 59, आगे चलो 65 पीछे आ जाओ 57, ये आ गया लोवेस्ट। जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा थोड़ी देर पेशेंस रखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ये होगा लार्जेस्ट, ठीक है ना, ये क्या होगा लार्जेस्ट। याद रखिएगा सबसे पहले हमें आगे ही चलना है, आगे 63 पीछे 59, आगे 65 पीछे 57, 5 नंबर हो गए तो हम रुक गए, जहां 5 नंबर हो जाएंगे वैसे रुक जाएंगे। इस सवाल का आंसर होगा 65 क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछा। अगला सवाल तेजी के साथ फटाफट जल्दी से तेजी के साथ सॉल्व करिए। जल्दी 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 तेजी के साथ सारे नंबर बताओ तेजी के साथ, 10-15 सेकंड लगना चाहिए आपका, बस 15 सेकंड। लाइक और शेयर। चलो भाई देखो ध्यान से, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 27 है, ध्यान से सुनना, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिनका औसत क्या है 21 है। तो अब आप बताओ ये इवन नंबर तो है नहीं 21, तो 21 को छोड़ के इसके आगे पीछे इवन नंबर देख लो, आगे चलोगे 22, पीछे चलोगे तो 20 मिलेगा, आगे चलोगे तो 24 मिलेगा, पीछे चलोगे तो 18 मिलेगा। ये आपका आ गया लोवेस्ट नंबर और ये आपका आ गया लार्जेस्ट नंबर। बोलो क्लियर हुआ सब लोगों को, ये आ गया लार्जेस्ट और ये आ गया आपका लोवेस्ट नंबर। क्लियर सब लोगों को, जल्दी से बताओ फटाफट तेजी के साथ, है ना। बिल्कुल सही जवाब, सभी लोगों का आंसर आ गया। याद रखिएगा 21 काउंट नहीं होगा, एक मिनट, 4 पूछा था, हाँ सही है, 4 पूछा था तो आगे चलो 22, पीछे चलो 20, आगे चलो 24, आगे पीछे चलो 18, अगर 5 पूछा होता तो एक बार हम आगे और चलते, ठीक है। चलो एक मिनट, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर औसत 27 है भाई, 27 दे दी, ओहो औसत 27 दे दिया, मैंने 21 लिख दिया, ये लिख दिया हमने 27, 27 के आगे चलो 28 आ गया, पीछे आ जाओ 26 और आगे चलो 30 और पीछे चलोगे कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा आपका लोवेस्ट नंबर और ये आ जाएगा आपका लार्जेस्ट नंबर। अब सही है, मैंने 21 मान के लगा दिया था, बिल्कुल सही, बहुत शानदार। इससे ये पता चल गया सबका आंसर क्लियर हो गया, है ना। चलो चलो फटाफट जल्दी से बताओ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। फटाफट जल्दी से बताओ, तब सब लोग तेजी के साथ बताएं इसका आंसर क्या होगा। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 46, द स्मॉलेस्ट नंबर, सभी का मतलब 10 सेकंड के अंदर सारी क्लास का आंसर आ जाना चाहिए, बहुत शानदार। 5 कंसेक्यूटिव नंबर इवन नंबर का औसत 46 है,
औसत भी 46, नंबर भी इवन नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए 48 मिल जाएगा, पीछे चलिए 44 मिल जाएगा, आगे चलिए 50 मिलेगा, तो पीछे मिलेगा 42। अब हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट नंबर, तो इस सवाल का आंसर आएगा 42। अब बताओ सब लोग, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? 5 नंबर बोला था तो 42 आएगा, जो आप सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया। चलो भाई, यहां से आपके जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है, यहां से आपके एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं पेपर में, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, कहीं ना कहीं इसका यूज होता ही रहता है। अब आ गया आपके सामने अच्छा सवाल, जल्दी से फटाफट इसको पढ़िए, समझिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। सब लोग जल्दी से बताएं भाई। चलो चलो, बहुत शानदार। चलिए फिर आइए देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल सही, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए लिखा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ 9 एप्पल 3 मैंगो इज 36। मतलब 9 एप्पल और 3 मैंगो की औसत कॉस्ट जो है वो 36 रुपए है। द एवरेज ऑफ 3 एप्पल और 9 मैंगो औसत कॉस्ट कितनी है, 48 रुपए। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 30 एप्पल एंड 30 मैंगो। अब ध्यान से सुनिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, आप लोग 1 एप्पल की कॉस्ट मान लो 100 रुपए और 1 मैंगो की कॉस्ट मान लो वाई रुपए। आप बताओ, 9 एप्पल मतलब हो जाएगा हमारा 9x प्लस 3 मैंगो मतलब 3y, इसकी औसत कॉस्ट है 36, मल्टीप्लाई 12 से कर दो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। आगे पढ़िए, द एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल यानी 3x प्लस 9 मैंगो मतलब 9y, ये औसत कॉस्ट है 48 मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर 12, यहां से कॉमन ले लो, अंदर जाएगा 36 और 48 का एडिशन 84। अब ये 12 बताओ कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, क्या इक्वेशन बन गई आपकी? आप बताओ, इक्वेशन आपकी बन गई कि एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 84। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक एप्पल एक मैंगो का दाम 84 है। आप ही लोग बताओ, अगर हम यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये 30x और 30y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब 30 एप्पल और 30 मैंगो का दाम कितना हो जाएगा, 84 × 30, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24। आपका आंसर आ गया 2520। बोलो ये बात समझ में आ गई सब लोगों? बिल्कुल सही, कई सारे लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। बताइए इतना तो बेटा इसमें करना पड़ेगा, इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी से एक बार जल्दी से सब लोग बताइए, बात समझ में आ गई सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है पूरी, है ना। 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि 9 एप्पल 3 मैंगो यानी 9 और 3 मिलके कितना हो गया बेटा, 12। मतलब 12 आर्टिकल का औसत 36 था, इसलिए हमने 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ऐसे ही 3 एप्पल 9 मैंगो थे तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 12, तो 48 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? हाँ चलिए, आंसर आएगा 2520। बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का, आंसर आ रहा 2520। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़िए समझिए और इस सवाल का आंसर निकालिए। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। चलो चलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से तेजी के साथ।
बहुत शानदार, सभी लोगों का रिप्लाई आ रहा बिल्कुल सही है ना। चलो ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे लगाना है वो सुनिए। देखिए इसने बोला कि इन अ सेट ऑफ थ्री नंबर, तीन कोई नंबर हैं जिनमें पहले दो का औसत दिया गया है दो। लेट लेट ए कामा बी कामा सी आर नंबर्स, जिन नंबरों की ये लोग बात कर रहे हैं हमने वो क्या मान लिया, ए बी सी। द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर इज, द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज टू। तो पहले दो नंबरों का औसत जो है, ए प्लस बी का जो औसत है वो दो दिया है, ए प्लस बी का औसत जो है वो दो दिया है। तो आप ही बताओ ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, चार। फिर आगे बोला कि बी प्लस सी का, मतलब कि लास्ट टू का औसत दिया गया है तीन, तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, छह। आप बताइए सी प्लस ए का औसत कितना दिया गया है, चार। तो आप बताओ औसत कितना हो जाएगा, सी प्लस ए बराबर हो जाएगा आठ। इन सबको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा टू ए प्लस बी प्लस सी बराबर आठ, छह चौदह, चार अट्ठारह, आ गया कि नहीं आ गया, है ना। सॉरी, तो टू ए प्लस बी प्लस सी का मान अठारह आ गया है। तो आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, नौ। अगर हमें औसत निकालना होगा तो ए प्लस बी प्लस सी कितने नंबर है, तीन, नाइन बाई थ्री कर दीजिए, आंसर आ जाएगा थ्री। जो आपने सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया है ना, क्लियर है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत बढ़िया सवाल है, तेजी के साथ इसको भी सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से बताइए तेजी के साथ इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है फटाफट देख लेते हैं, बहुत आसान है, सबसे बन जाएगा। द एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर, एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर। तो आप ही बताओ इसका सम कितना हो जाएगा, ये एम एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। द एवरेज ऑफ एन नंबर क्या होगा, एम स्क्वायर, है ना। तो इसका सम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एन हो जाएगा। द एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर, इसका औसत क्या होगा, तो आप बताओ एम प्लस एन नंबर का अगर औसत पूछेगा तो एम का पूरा एडिशन एम एन स्क्वायर, एन का पूरा एडिशन एम स्क्वायर एन, और दोनों का टोटल नंबर यानी एम प्लस एन, ऊपर से एम एन कॉमन ले लो, अंदर बताओ क्या बचेगा, एम प्लस एन, नीचे क्या लिखा है, एम प्लस एन, दोनों कैंसिल हो गया। आप बताओ इस सवाल का आंसर क्या रहा, एम एन, है ना। इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा, एम एन होगा, बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों ने दिया, इस सवाल का आंसर आ रहा है एम एन। क्लियर है भाई सब लोगों को, बहुत बढ़िया। चलें अगले सवाल पे, चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इसको देखिए सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए सब लोग अच्छे से। चलिए तो ये सवाल मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होमवर्क रहेगा, और अगली क्लास में अभी हम एवरेज की और टॉप, मतलब एवरेज के अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो कल की क्लास में हम एवरेज के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करके आइएगा। बेसिक एक तरीके से आप बोल सकती है, या बेसिक, तो बेसिक भी आप बोल सकते हो कि बेसिक टाइप के सवाल आपको क्लियर हो गए, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस की और जरूरत है। तो ये सवाल आपकी स्क्रीन पे जो दे रहा है इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू।